नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट आई में। डेरा सच्चा सौदा की लड़कियों से, महिलाओं से आपकी बात जो है लगातार करवा रहे हैं, सच पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो है लगातार आपसे लोगों की बात करवा रहे हैं। इन्वायरमेंट जो यहाँ का कैसा है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक यहाँ पे हमारे साथ जो है एक गर्ल जुड़ी हुई है, आप जानते हैं उससे कैसे विचार है उसके डेरा सच्चा सौदा के बारे में। क्या नाम है आपका? सीमा। और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी बी कॉम। आप एजुकेटेड हैं, इसके बावजूद आप यहाँ पे आ रहे हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? 20 साल से आ रही हूँ। 20 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं। अंधविश्वास जैसा है यहाँ पे कुछ? नो, ऐसा तो कुछ नहीं। कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, यहीं से सब कुछ सीखा है, यहीं से मतलब आज यहाँ पर भी हैं। मैं एज बैंक में जॉब कर रही हूँ, तो जो भी है लाइफ में यहीं से मिला है, यहीं से हुआ है सब कुछ। और जो गर्ल्स के लिए यहाँ का इन्वायरमेंट, बीइंग अ गर्ल कितना सेफ फील करते हैं आप? बहुत ज़्यादा, मतलब जितना सेफ यहाँ फील करते हैं ना, मतलब बाहर की दुनिया में इतना सेफ फील कहीं नहीं करते। हमने लगभग 10-10, 15-15 दिन भी यहाँ पे इकट्ठे स्पेंड किए हैं पूरी फैमिली के साथ। ऐसा मतलब कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इतना अच्छा माहौल है कि बता नहीं सकते। कितना विश्वास है पूरा, और किसी पे है ही नहीं इतना, जिनका फैमिली पे भी नहीं है इतना, जितना उनके। क्या वजह है विश्वास की? उनकी जो सत्संग वो सुनाते हैं, जो बातें, जो उनका जो भी वो बातें बताते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो सब उस सबकी वजह से विश्वास बना हुआ है। करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत कुछ मतलब यहाँ पे जो है बहुत विश्वास है लोगों को, कहते हैं बहुत कुछ मिला है। क्या मिला है यहाँ पे आने से आपको? जो कहीं और से नहीं मिल सकता, सब कुछ यहीं से मिला है। हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, मतलब हम अगर बाहर की दुनिया में जाएँ तो बहुत अलग है वो यहाँ से, और ये जो लाइफ है, यहाँ की जो लाइफ है, उसका बयान हम कर ही नहीं सकते कि बाहर की दुनिया में हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। कौन कौन से मानवता भलाई के काम जो है डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जाते हैं? 135 के करीब मानवता भलाई के काम किए जाते हैं। हम भी बहुत सारे काम फॉलो करते हैं गुरु जी की प्रेरणा से, जैसे कि मतलब हर जो भी ज़रूरतमंद है, जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग एक गुरुजी के द्वारा बनाई गई एक फोर्स है, क्या पर्पस है उसको बनाने का और क्या काम करती है? मैं खुद भी उसकी मेंबर हूँ, और उसका मेन पर्पस यही है कि जितना भला हो सके दुनिया का, जितना लोगों का हम हेल्प कर सकें, नीडी पीपल्स की, उतना करते हैं। यही सिखाया जाता है कि हाँ कोई आपदा आ गई, मतलब जो होता है ना, मतलब कहीं भी भूकंप आ गया, वो सब मतलब बहुत सारी वीडियोस हैं यहाँ पे। पहले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी इंडिया में, तो वहाँ पे ग्रीन वेलफेयर फोर्स है जो सबसे पहले जाती है। आज कोरोना काल है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में ऑक्सीजन की कमी हो रही है देश में, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि शायद प्लांट्स जो हैं इतने सफिशेंट नहीं हैं, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बहुत ज़रूरत है। क्या कदम जो है डेरा सच्चा सौदा ने उठाए हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए? पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तो गुरु जी की प्रेरणा, जब भी मतलब 15 अगस्त हर साल एक पर्सन एक पेड़ लगाता है गुरु जी के बर्थडे पर, ये तो है ही। और साथ के साथ ये भी है कि हमने जो लगे हुए हैं पेड़, उनको भी पानी वगैरह देना कि हाँ वो मुरझा ना जाएँ, उनकी भी सेफ्टी, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ये सारी प्रेरणा यहीं से मिलती है। गुरुजी ने तो ये बहुत पहले से शुरू कर दिया था, क्योंकि भगवान को तो पता ही होता है कि आने वाला टाइम कैसा होता है। और जो मूवीज़ गुरुजी ने बनाई हैं, क्या फ़र्क है उनमें और सामाजिक मूवीज़ में, और क्या मैसेज जो है ये मूवीज़ देती हैं? गुरुजी की जो मूवी है उसका तो एक एक सीन हमें मैसेज प्रोवाइड करता है, मतलब एक मूवी में सब इतने सारे मैसेजेस होते हैं, एक एक चीज़ का हमें पता चलता है कि हमने लाइफ में क्या, कौन से सिचुएशन में कैसे डील करना है। आज कोरोना काल है, कोरोना काल में जो कोरोना वॉरियर्स हैं लगातार लोगों की सहायता के लिए लगे हुए हैं, डॉक्टर्स नर्सेज लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं। डेरा वॉरियर्स जो हैं वो कैसे कोरोना वॉरियर्स की और जो बाकी पेशेंट्स हैं और बाकी लोग हैं, आम संगत है, उनकी कैसे जो है मदद करने के लिए डेरा वॉरियर्स आगे आ रहे हैं? डेरा वॉरियर्स एक तो सैनिटाइज़ कर रहे हैं हर जगह, जो धार्मिक स्थान होते हैं उनको सैनिटाइज़ कर रहे हैं, प्लस वो जो डॉक्टर्स हैं उनको भी, वो उनके लिए भी जो गुरुजी के प्रेरणा के अकॉर्डिंग है कि उनको जो भी है रिफ्रेशमेंट वगैरह दे रहे हैं और जो एम्बुलेंस वगैरह का काम करते हैं उनको भी, उनके लिए भी मतलब डेरा जो है, डेरा के वॉरियर्स हैं वो कोरोना के लिए जिस भी टाइप की हेल्प की नीड हो गवर्नमेंट को या किसी को भी, तो वो उसके लिए हमेशा रेडी है। सुनने में आया कि यहाँ पे एक फूड बैंक जो है चलाया जाता है, क्या है ये फूड बैंक और क्या पर्पस है इसका? फूड बैंक वो बैंक है जिसमें हम सारी साथ संगत है जो वो हफ्ते में एक बार फास्ट रख के ना वो जितना भी खाना होता है वो सारा एक जगह इकट्ठा करके उसको गरीबों में बांटा जाता है। और गुरुजी पे जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो कितना सच्चाई है उसमें? वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि होता है ऐसे, मतलब जितने भी गुरु आज तक आए हैं सबके ऊपर ये लोगों ने ऐसा ही बोला है, तो ये इसमें कुछ नया नहीं है। ये होता है कि हाँ, जब अच्छाई बढ़ती है तब बुराई उसके साथ ज़्यादा एक फास्ट जो है तरीके से बढ़ती है, ये वही है बस और कुछ नहीं। एक समाज में ये क्वेश्चन बहुत वो लोगों के दिमाग में आता है, शायद आपसे पूछा भी हो लोगों ने कि आज गुरुजी नहीं है डेरे में, आप फिर भी डेरे में जाते हैं, क्यों जाते हैं, डेरे में क्या मिलता है? ये क्वेश्चंस आपने शायद पहले भी फेस किए हों। आज फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या मिलता है आपको यहाँ आने से, क्यों आते हैं जबकि गुरुजी यहाँ पे नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? हमारे लिए तो वो कहीं नहीं गए, हमारे लिए वो यहीं है, तो अपनी अपनी मान्यता है लोगों के लिए है कि हाँ वो बस वहाँ हैं, लेकिन वो अपने वहाँ भी हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से हैं, अगर और हमारे लिए तो वो हर जगह हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगह होते हैं। और क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो यही अपील है कि मतलब अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी सब मतलब कहीं ना कहीं एक फरिश्ता है वो, और उनके साथ जो लोग रहते हैं कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास है कि वो एक मतलब आम इंसान नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके वो इस बात को समझ लें तो सही है। कितनी ज़रूरत है समाज को? समाज को गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक गुरुजी थे दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी किसी ने फेस ही नहीं की। आप देखो पूरा देश लॉकडाउन हो गया, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, सबके काम बंद हो गए, लोगों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है जो अब तक वो उस प्रॉब्लम से लोग अपनी लाइफ को जो है कंटिन्यूसली वैसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एजुकेटेड लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बताया इन्होंने, बहुत सारी जानकारी हमारे साथ सांझी की, जो मूवीज़ हैं गुरुजी के द्वारा बनाई गई उनका पर्पस बताया कि वो गुरुजी जो मूवीज़ बनाई हैं उनमें हर एक में मैसेज छुपा होता है। जो मानवता भलाई के कार्य है डेरा सच्चा सौदा में 135 मानवता भलाई के कार्य जो है किए जाते हैं, और लोग बढ़ चढ़ कर गुरुजी की बातों को फॉलो करते हैं, अच्छी शिक्षा यहाँ पर उनको दी जाती है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद फैक्ट आई।